दोस्तों आज की वीडियो डाटा प्राइवेसी और हैकिंग से बचने के लिए बना रहा हूं। दोस्तों आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो, एप्पल, Xiaomi, MI, Honor, Samsung, कोई भी फोन हो हैक हो सकता है। यहाँ तक कि आपका 2G फोन जो आपका कीपैड फोन आता है वो भी हैक हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ आप जो है कोई बात कर रहा है तो आप उसको लाइव सुन सकते हैं। और आजकल का 4G या 5G जो भी आप यूज कर रहे हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के या फिर बिना किसी वायरस के भी हैक हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मेरा एक सेविंग खाता बहुत पुराना है, स्कूल के टाइम का है, तो उसमें घर का नंबर रजिस्टर है। अभी मैं उस नंबर से कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ अपने पुराने खाते से तो OTP घर के नंबर पर जाता है और मैं रहता हूँ बाहर, तो मैं यहीं से अपना OTP देख सकता हूँ। यदि आप चाहें तो खुद भी अपना डेटा, चाहे जैसे कॉन्टैक्ट, रिकॉर्डिंग, मेमो, नोट्स, लोकेशन, नेटवर्क, बैटरी, मीडिया फाइल जैसे कि वीडियो और फोटोज और अपनी कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारे आप मॉनिटर कर सकते हैं, दूर से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों यह आप कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीका समझाने वाला हूँ, आपको मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। आप जिस भी कंपनी का फोन यूज करते हैं, हर फोन अपने यूजर्स को बैकअप के लिए फ्री क्लाउड स्टोरेज देता है, तो आपको वही क्लाउड स्टोरेज आपको इनेबल करना रहे। आप ID पासवर्ड से उसको लॉगिन कीजिए, उसके बाद अपने सारे फोटो जो भी आप सिंक करना चाहते हैं आप सिंक कर दीजिए, तो आप दूर से ही अपने फोन के सारी गतिविधि या अपने फोन के सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप लोकेशन भी देख सकते हैं। वैसे तो कॉल हिस्ट्री चेक करने का या फिर अपने फोन के डेटा चेक करने का या दूर से एक्सेस करने का बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन यदि आप अपने फोन के क्लाउड ID से करते हैं या फोन की डिवाइस ID से करते हैं तो आपको किसी अतिरिक्त एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत से लाभ हो सकते हैं, जैसे कि आपको अपने फोन का किसी भी चीज का बैकअप नहीं लेना पड़ता है। आप फोन चेंज भी करते हैं तो सेम डिवाइस में करेंगे तो आप ID लॉगिन करेंगे तो आपका सारा कॉन्टेक्ट, सारा डेटा आपको मिल जाएगा और इसका बैकअप अपने आप हो जाता है। आपको फोन के हिसाब से 5GB या फिर 10GB तक का स्टोरेज मिल जाता है, क्लाउड स्टोरेज, जिसमें आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपनी यादगार पलों को, जैसे कि फोटो, वीडियो, कोई भी फाइल हो सकती है, आप यादगार के तौर पर रख सकते हैं, बाद में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप उसका लोकेशन भी देख सकते हैं। चोरी हो जाने बाद लोकेशन तो देख ही सकते हैं, लेकिन आप साथ में अपने सारे डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं या किसी को आपका डेटा शेयर ना हो। वैसे तो ये नॉर्मल चीज है, लेकिन यदि आपका ID पासवर्ड किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो आपके प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इससे बचने के लिए आप अपने अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर इनेबल रखें, जिससे जब भी आप किसी अन्य डिवाइस पर लॉगिन करें तो आपको OTP आए, आप ऑथेंटिकेट करें, उसके बाद ही आप लॉगिन हो पाएं। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने गर्लफ्रेंड या फिर अपने वाइफ का कॉल डिटेल कैसे देख सकता हूं या उसके फोन को कैसे हैक कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत से ऑप्शन है जिससे आप कर सकते हैं और आप उस फोन में आपको अगर परमिशन भी नहीं देंगे तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप किसी के प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।